हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ सामयांग्स बुलदांग चीज़ फ्लेवर रामेन। तो इसका प्राइस है 135 रुपीस। आप इसे ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। पर्सनली मुझे भी चीज़ फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। मैं तो मैगी में भी चीज़ डाल के खाती हूँ, मेरा बहुत फेवरेट है। तो मैंने जैसे ही पैकेट ओपन किया तो मुझे इसमें से दो पाउचेस मिले, एक में पेस्ट था और एक में चीज़ पाउडर। तो मैंने पानी को गर्म कर लिया और उसमें नूडल्स ऐड कर दिए। उसके बाद जैसे ही नूडल्स बॉईल हो गया तो मैंने वो दो पाउचेस इसमें डाल दिए जो एक पेस्ट था और एक चीज़ पाउडर। तो मैंने वो पाउचेस इसमें डाल दिए। मैंने सोचा इसको ऐसे बनाकर देखती हूँ। वैसे पैकेट में इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, आप उन्हें भी फॉलो करके बना सकते हो। तो वो पेस्ट और पाउडर डालने के बाद इसका कलर बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था। मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि स्पाइसी हो सकता है। आई होप ज़्यादा स्पाइसी ना हो, क्योंकि मैं स्पाइसी ज़्यादा खा नहीं सकती। तो क्योंकि ये नूडल्स चीज़ फ्लेवर है, मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा इसमें चीज़ डाल देती हूँ, क्योंकि चीज़ तो फ्लेवर इन्हेंस करता है। और सामयांग नूडल्स थोड़े से थिक और लॉन्ग होते हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है सामयांग नूडल्स में। तो मैंने ये चीज़ और नूडल्स थोड़ा सा मिक्स कर लिया और अब बारी है टेस्टिंग की। तो इसके साथ साथ मैं थोड़ा टेंस्ड भी थी कि कितना स्पाइसी होगा, मैं खा पाऊँगी या नहीं। बट जैसे ही मैंने फर्स्ट बाइट लिया मुझे ये बहुत अच्छा लगा। हाँ, थोड़ा स्पाइसी है, बट एट द सेम टाइम ये रामेन बहुत ही टेस्टी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप में से कितनों ने ये रामेन ट्राई किया है या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।